भाई चौकीदार से लेकर प्रधानमंत्री ताई बड़े एमपी एमएलए और भाई सरपंच सब कम देख लिया। इस मालिक की दया देवीलाल प्रधानमंत्री था, उन्हें 100 रुपये पेंशन कर दी। अरे एक बूढ़ा ले गए पेंशन, अरे एक दुकान पर गया उन्हें देखा आम धरे ने बोला रहे छोरे ये आम के बाडे है, बोला तो इस बाडे हूँ। वो 100 का लोटा गेन कर दिया, 2 आम मिल गए। बूढ़ा दोनों आम बांध लेकर घड़े बैठे थे ने बोला रहे छोरे 4 है, आता ही किसी ने आम नहीं खुआया। देवीलाल के छोरे लोग आई जामण दे बैठी मेरे बेटे जिंदगी लाओ परमात्मा। इस मालिक की दया तेरा गंबा टाऊँ सेटाणी बीमार होगी। अरे सेठने ने बोली कोई कोई मिनट जा है मेरा चोला छूटने हो रहा है, इसी बात बताऊंगी जो जिंदगी में कदम मालिक ने बेरार का मन ने बेरा है। बड़ दे तेरा गंबा टाऊँ सेठ ने कान ला लिए। अरे सेटाणी छूटती है ने बोली लड़के 3 हैं, 2 तेरे एक मुसलमान का ने कह गए सेटाणी चोला छूट गई। सेठ के चूतर लागे जागे हे भगवान मेरी जो जात का मालिक तीसरे हिस्से का मुसलमान का बनेगा। सेठ ने और तो कुछ आई ना अपनी बही में जगह जगह लिख दिया मेरी जो जात के मालिक मेरे 2 लड़के होने चाहिए तीसरा नहीं। इस मालिक की दया सेठ भी चोला छोड़ गया और उन छोरिया ने वह बही देखी और देखते बोले भाई वो फैसला जरूर करना। 5-7-10 बूढ़े इकट्ठे कर लिए बोला तो या बात हुई बताओ। उन्होंने बोला भाई तेरी के बतावा कल उड़े महाराज जी दौरे बैठे रहे को 15-20 मिनट आदमी उड़ा जागे ने बोला महाराज जी या सृष्टि कत्ते रची दी ने बोला हम तो रचिए रचाई मारे वह कहते तेरी माँ बताओ कतरा बाबू बताओ। वह छोरे शाने हो गए, उनने जो ना कोर्ट में केस कर दिया रहे आप सरकार क्या टाई है और वो केस राष्ट्रपति के पहुँच गया। और 3 दिन हो गए राष्ट्रपति ने खाना कोई ना खाया। जिस टाइम वो राष्ट्रपति बनया उस टाइम उसने अपने मन में धारणा कर ली थी अगर भाई कोई भी फैसला आ जाएगा फैसला करे बिना खाना नहीं खाऊंगा। 3 दिन हो गए राष्ट्रपति ने खाना नहीं खाया कि राष्ट्रपति की बीरबानी कहने लगी छोरी ने बेटी 3 दिन हो गए तेरे पापा ने खाना नहीं खाया। ने बोली माँ पहले ना बता दे ए जब लाई बता दी मैं चक्कर लड़ाई नहीं खाता। छोरी पहुँच गई जाकर बोली पापा खाना खा ले। ने बोला बेटी भूख को रहा। ने बोले इनकी बंदी काया हो है अंतर रूस गया तो भगवान रूस जा रहे खाना पड़ेगा चाहे एक मुँह खा ले। ने बोली बेटी कती हाथ जड़वा ले भूख सही नहीं। ने बोली बोला पापा बात सुने घरा बैठ के बतलाए जो मत बोला लो आगरे मंदी मांझण पैसे नहीं डगा दे एक सीख तो चटंकी नहीं डिग्या रहा घरा बैठ के राज में कोई अड़चन हो या तेरे गात में कोई बीमारी हो रहा खुल के बता। ने बोला बेटी एक सेठ के 3 लड़के हैं और सेठ ने अपनी बही में जगह जगह लिख रखा है अगर मेरी जो जात के मालिक मेरे 2 लड़के होने चाहिए तीसरा नहीं। ने बोली पापा एक दिन मोर को ना मरे ले कर रामगा ना और तड़के फैसला करके खाना खाइए अगर बहुत अच्छी बात रही फैसला सुनाऊँ। छोरी ने फैसला सुनाया अगर 3 वान बुला लिए एक कमरे में कुर्सी घाल के बैठ जिए जूते काट गए एक उस पर कुर्सी पर उसके बाप का फोटो भाई तेरे बाप का फोटो है इसके पास जूत मार दिया दिए जो जात का मालिक बना दूंगा। पलड़ा बढ़िया ही छोरे के आ बड़ दे इतरा गंबा टाऊँ राष्ट्रपति ने कही भाई इसके पास जूत मार दिया दिए जो जात का मालिक बना दूंगा। बड़ दे उसके पाँ का नहीं याद कर कहने बोला दोनों भाइयों दे दे मैंने सुई भी नहीं चाहिए। दूसरा बढ़िया उसने भी यह कह दी तीसरा बढ़िया 10 मार देगा मार दूंगा तो सारी डवा देगा जब बेरा पट्टिया। वो भाई सा सूट बैठा बनिया ओदा चलिया और बनिया तो होशियार हो है कत्ती साइड में चल रहा और एक ट्रक काले आड़ कर उसका बटपेड़ा मार दिया और वो बनिया जा पड़िया लग गया कुछ नहीं और ट्रक काले ने सोची ले वो बचते गया उन्हें भी ब्रेक मार गया उन्हें भी उठाया 2-4 मारे के है और आगे रविला सेठ सुना और सेठ ने देखा उस ट्रक का पाछे लिख रखा था अगर जिंदगी रही तो फिर मिलना गे सेठ तो रोने का ना थम्बिया। रविला लाला जी के बात है रविला और बात ने छोड़ दे पाछे लिख रखा इसके डर का मारे रू हूँ अभी फिर भी मिल लगा अच्छा बचो